टेस्टफुल किचन। आज हम नवरात्रि आ रही हैं और उसके फास्ट के लिए आपको एक रेसिपी बता रहे हैं, वो है इंस्टेंट पुलाव समक के चावल का। ये समक चावल है, आप देख सकते हैं, इसको बर्नयार्ड मिलेट भी कहते हैं। मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ, देखिए ये राइस नहीं है, ये व्रत में खाए जाने वाला मिलेट है, कुछ इस तरह का दिखता है। आप किसी भी सुपर स्टोर में जाके पता कर सकते हैं। इसको मैंने धो लिया है और ये मैंने 1/4 कप लिया है। ये 1 टेबलस्पून घी लिया है, देसी काली मिर्च पाउडर लिया है 2 पिंच, सेंधा नमक लिया है व्रत वाला, 1/2 चम्मच जीरा लिया है, 1 हरी मिर्च को हमने ऐसे बीच में से स्लिट कर लिया है और 1 को बीज निकाल कर काट लिया है, 1 आलू लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये कुकर हमने रख दिया है गैस पर और हम इसमें डाल रहे हैं ये 1 टेबलस्पून घी। व्रत में हम घी में बनाते हैं। अब हम डालेंगे इसमें ये जीरा और इसको मिक्स करेंगे, साथ ही साथ हम इसमें ये हरी मिर्च डाल देंगे। देखिए, कुछ लोग टमाटर नहीं खाते हैं, कुछ लोग लाल मिर्च नहीं खाते हैं, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बट मैंने ये बहुत ही साधारण, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से मैं आपको ये बता रही हूँ, हल्का सा ये तड़क जाए। और काला ना हो, मतलब जीरे को हमें काला नहीं करना है। ये अच्छे से भुन गया है, आप देख सकते हैं, बहुत फटाफट बनने वाले हैं ये। आपको चावल को भी ना बहुत देर से भिगोना नहीं है। अब हम डालेंगे इसमें आलू कटा हुआ, इसको हम हल्का भूनेंगे ऐसे घी में, स्लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंच सकें। आप बनाकर जरूर देखिएगा, व्रत में वैसे थके होते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं होता और एक ये हेल्दी है। अब हम इसके साथ ही भुनने के साथ हम डालेंगे ये चावल और इसको भी हम भूनेंगे, इसको भी हम ऐसे भून लेंगे, थोड़ा सा लगातार चलाते हुए भूनिए ताकि ये लगे ना नीचे, हल्का सा फ्लेवर आ जाए, खुशबू अच्छी आ जाए। इसको हल्का सा हम भूनेंगे और मैं बहुत कम क्वांटिटी के साथ तैयार कर रही हूँ, 1/4 कप। तो आप जैसे आपको चाहिए जितनी मात्रा में वैसे तैयार कर सकते हैं, बना कर देख सकते हैं पहले, और हेल्दी है, फ्राइड नहीं है, देसी घी के अंदर है। तो ये अच्छे से भुन गया है, अब हम डालेंगे इसमें नमक और काली मिर्च। आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। इसको हमने एक बार चला दिया है, अब हम इसमें डाल रहे हैं पानी। मैंने इस 1/4 कप से राइस को लिया है तो इसी से मैं पानी डाल रही हूँ, 1-2 यानी डबल पानी हो गया, और थोड़ा सा और, 1/2 और, क्योंकि ये थोड़े चावल हैं, अदरवाइज आप डबल पानी लें और उसमें बन जाएगा। देखिए, अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, देख रहे हैं ना कितना अच्छा लग रहा है। और इस समय अगर आपको नमक का अंदाजा नहीं है ना, तो मैं आपको यहाँ टिप देती हूँ, इस समय आप ये थोड़ा सा पानी लेकर ऐसे स्पून में और चक्कर देख लीजिए, क्योंकि बाद में आप इसमें नमक नहीं मिला सकते। अब हम करते हैं इसको बंद, कुकर को बंद करते हैं और 1 विसल आने के बाद हम इसको गैस को ऑफ कर देंगे और प्रेशर अपने आप रिलीज होने तक इसका वेट करेंगे। अब हम कुकर खोल लेते हैं और हमने 1 नहीं 2 विसल लगाई है, क्योंकि विसल बहुत जल्दी आ गई थी। और आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने बढ़िया चावल खिले खिले ये बने हैं, ये देखिए, है ना मजेदार। 1 सूप बाउल भर के ये राइस बने हैं, यानी 1 आदमी के लिए सफिशिएंट है। बहुत अच्छे से देखिए आलू गल गया है, ये देखिए आपको मैं दिखाऊं, गरम है आलू, बहुत अच्छे से गल गया है।
चावल भी बहुत खिला खिला है, और थोड़ी देर रखने के बाद ये बल्कि और सख्त हो जाता है, तो आप गरम गरम ही खाइए। तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। ये देखिए, परफेक्ट। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो जरूर आप शेयर कीजिए, आप शेयर करेंगे तभी पता चलेगा सबको, और इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। ये डबल पानी से थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया, ये 1/4 का हाफ मैंने दोबारा से डाला है। ये देखिए ऊपर से इसमें हरी मिर्च, बहुत अच्छा फ्लेवर, और कुछ आपको ज़्यादा डालने का ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज। अब ये देखिए ना, मैं यहाँ दिखाऊँ, एक एक दाना खिला हुआ है और गला हुआ है। ये देखिए गल भी प्रॉपर गया है, देख रहे हैं ना, मैश हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैश नहीं हो रहा है, गला नहीं है, खड़ा खड़ा है, गला हुआ है। बहुत टेस्टी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।